वहीं गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पुलिस के कारनामे पर डीजीपी की सख्ती के बाद मामले की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। कल देर रात एसपी सिटी के नेतृत्व में लिंक रोड थाने की पूर्व एसएचओ लक्ष्मी चौहान के सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। अधिकारियों के मुताबिक आवास से 1.25 लाख रुपए बरामद हुए, जो बरामदगी की रकम 70 लाख का हिस्सा है। गबन के मामले में महिला इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से 7 पुलिसकर्मी फरार चल रहे हैं। तो लक्ष्मी सिंह चौहान के घर से 1,25,000 रुपए बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पुलिस के कारनामे पर डीजीपी की सख्ती के बाद मामले की जांच ने रफ्तार पकड़ी है और कल देर रात एसपी सिटी के नेतृत्व में लिंक रोड थाना की पूर्व एसएचओ लक्ष्मी चौहान के सरकारी आवास पर छापेमारी की गई और अधिकारियों के मुताबिक आवास से करीब 1.25 लाख रुपए बरामद हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बरामदगी की रकम 70 लाख का हिस्सा है। गबन के मामले में महिला इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से 7 पुलिसकर्मी फरार चल रहे हैं और ऐसे में अब उनके घर पर जाकर छापेमारी की गई एसएचओ के और वहां से 1.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो डीजीपी ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई थी और उसके बाद पुलिस विभाग हरकत में है और अब कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, छापेमारी तो हुई है लेकिन पुलिस के हाथ जो फरार तमाम पुलिसकर्मी हैं उनके बारे में भी कुछ सुराग लग पाया है क्या अभी तक हाथ? बिल्कुल, देखिए इस मामले की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की सीधी ढीला रवैया दिखाता है और क्योंकि अगर आम आदमी होता तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन अगर बात करें लक्ष्मी सिंह चौहान की और उनके साथ और जो पुलिसकर्मी है वो सभी अभी फरार चल रहे हैं, यानी पुलिस के पास एक ठोस एविडेंस है इस समय ये पता लगाने के लिए, ये करने के लिए कि ये किस तरीके से इन्होंने ये पूरा पैसा गबन किया था। और जब कल जो एसपी सिटी के नेतृत्व में जो तलाशी ली गई है उस तलाशी में ये साफ हो चुका है कि लक्ष्मी सिंह चौहान के घर से जो रुपया बरामद हुआ है उससे और भी ज्यादा अलग अलग ठिकानों से रुपया बरामद होने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए जो छापेमारी की गई थी उनके घर से वो ताला तोड़कर छापेमारी की गई है, उस समय एसपी सिटी श्लोक कुमार मौजूद थे, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है और अब आगे भी इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है या इनके और भी सुराग कैसे दिखाई जा सकते हैं। पुलिस इस पूरे मामले पे काम कर रही है लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी ना होना ये अपने आप में बड़ा सवाल उठा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कार्रवाई देखने को मिली है, अब गिरफ्तारी कब होती है इन लोगों की ये देखना होगा।